दोस्तों, आप सभी ने तो हाई स्पीड सिंक फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में तो सुना ही होगा और आप जानना भी चाहते होंगे कि वो होता क्या है और वो काम कैसे करता है। तो इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए और मैं आज आपको बताऊंगा कि हाई स्पीड सिंक फ्लैश कैसे वर्क करता है और उसका मतलब क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, फोटो वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग इंटरनेट पे देखते रहेंगे या फिर कौन से भी वर्कशॉप में या फिर बड़े फोटोग्राफर्स देखते रहेंगे, आजकल आउटडोर शूट करते टाइम फ्लैश का यूज़ करते हैं और उसमें भी हाई स्पीड सिंक फ्लैश का यूज़ करते हैं। तो ये हाई स्पीड सिंक क्या रहता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हाई स्पीड सिंक के बारे में बात करने से पहले मैं इस शब्द को तीन वर्ड्स में डिवाइड करूँगा। एक है स्पीड, एक है सिंक और एक है हाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंक की, यानी कि फ्लैश सिंक की। जैसा कि आप सभी फोटोग्राफर जानते हैं कि फ़ोटो निकालते टाइम हम जब शटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा शटर ओपन होता है, लाइट वो सेंसर पे आती है और हमारा फ़ोटो स्टोर होता है, यानी कि फ़ोटो निकलता है। मान लीजिए ये हाथ है मेरा शटर और ये हाथ है फ्लैश। तो होता क्या है सिंक में, जब हमारा शटर ओपन होता है तो हमारी फ्लैश फायर होती है, फ्लैश बंद होती है, उसके बाद शटर बंद होता है। अभी ये आपको समझने के लिए प्रोसेस स्लो में है, लेकिन जब हम फोटो खींचते हैं तो ये प्रोसेस एकदम फास्ट होती है। हमारे शटर स्पीड पे डिपेंड रहती है ये प्रोसेस कितनी जल्दी हो। तो यानी कि शटर का खुलना, फ्लैश का फायर होना, फ्लैश का बंद होना, फिर उसके बाद शटर का बंद होना, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सिंक। यानी कि ये प्रोसेस सिंक हुई है, मतलब जब शटर ओपन हो जाएगा फ्लैश पूरा फायर होगा, बंद होगा, उसके बाद शटर क्लोज होगा, ये जो प्रोसेस है ये सिंक्ड है एक दूसरे के साथ, कैमरा और फ्लैश। तो उसके वजह से इसको हम लोग सिंक कहेंगे। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में, सिंक स्पीड के बारे में। तो सिंक स्पीड होता क्या है, जैसा कि हमने देखा कि हमारा शटर ओपन हुआ, फ्लैश फायर हुआ, फ्लैश बंद हुआ, शटर क्लोज हुआ, ये जैसे हमारा सिंक है उसका एक लिमिटेशन रहता है, स्पीड रहता है। अभी मान लीजिए मैंने कैमरा का शटर स्पीड रखा है 200, तो क्या होगा, फ्लैश फायर होते टाइम शटर ओपन होगा, फ्लैश फायर होगा, बंद होगा। लेकिन अगर मैंने उसको और आगे बढ़ाया, मैंने शटर स्पीड 250 किया, तो क्या होगा, मेरा शटर ओपन होगा, फ्लैश फायर होगा, शटर बंद होगा। इसमें फ्लैश पूरा बंद हुआ नहीं है, यानी कि आपका पूरा फ्लैश फायर हुआ नहीं है, पूरे फ्रेम तक फायर हुआ नहीं है। होता क्या है, स्पीड अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो शटर ओपन होता है, फ्लैश अपना आधा फायर होता है और बाकी बचा हुआ आधा फायर होने से पहले हमारा शटर बंद हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा सिर्फ आधा ही फोटो एक्सपोज होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी, तो आधा पोर्शन सफ़ेद दिख रहा है, आधा पोर्शन ब्लैक दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे कैमरे ने वो एक्सपोज किया ही नहीं उतना पार्ट, फ्लैश वहाँ पे पहुँचने से पहले ही शटर हमारा बंद हो गया था, उसी की वजह से ये आधा काला दिख रहा है। तो इसे हम लोग दूसरी भाषा में कहेंगे हाफ शटर। तो अभी हमें ये मालूम पड़ा कि भाई हमारा कैमरा 200 तक काम प्रॉपरली कर रहा है, मतलब जब हम लोग शटर स्पीड 200 रख रहे हैं तो शटर ओपन हो रहा है, फ्लैश फायर हो रहा है, फ्लैश बंद हो के शटर बंद हो रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे सिंक स्पीड। ये हर एक कैमरे में अलग अलग रहता है, कैमरे के मॉडल के ऊपर। कोई कोई कैमरे में 180 रहता है, कोई कोई कैमरे में 200 रहता है, कोई कोई कैमरे में 250 रहता है। तो ये बात करते हैं हाई स्पीड सिंक फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में। अब उसमें क्या होता है, हमारा जो कैमरा का ट्रिगर है या फिर कैमरा का जो फ्लैश है वो कैमरा के साथ कम्युनिकेट करके फ्लैश को बताता है कि उसका शटर स्पीड क्या रहने वाला है। तो फ्लैश क्या करता है, उतने ही जल्द वो क्विक रिस्पॉन्स देता है और फ्लैश चालू होके बंद करता है। तो जब भी कोई भी फ़ोटो उसके सिंक स्पीड के आगे रहेगा, या फिर मान लीजिए इन जनरल 200 शटर स्पीड 200 के आगे रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे हाई स्पीड सिंक फोटोग्राफी। उसमें होता क्या है, फ्लैश शटर ओपन होता है, फ्लैश फायर होके बंद होता है, शटर बंद होता है। ये जो हमारे सिंक प्रोसेस है ये हाई स्पीड पे चलती है। हमारे पास पहले लिमिटेशंस थे कि ये 180, 200 या फिर 250 तक चलेगी, लेकिन आज ये 1/500, 1000 का शटर स्पीड, 8000 के शटर स्पीड तक हमारे कैमरे को सिंक कर पाता है। तो इसलिए हम लोग उसे कहते हैं हाई स्पीड सिंक फ्लैश फोटोग्राफी। यानी कि आपको मालूम पड़ गया, इसमें सिंक हो रहा है, यानी कि शटर का ओपन होना, फ्लैश फायर होना, फ्लैश बंद होके शटर का बंद होना, ये हो गया सिंक। और हाई स्पीड इसलिए क्योंकि ये सिंक स्पीड के आगे, यानी कि हाई शटर स्पीड के आगे भी कैमरे को फ्लैश के साथ सिंक कर पाता है, उसके वजह से इसे हम लोग कहेंगे हाई स्पीड सिंक फोटोग्राफी। ये आजकल जनरली यूज़ होता है प्री वेडिंग्स में,
आउटडोर्स में, फैशन फोटोग्राफी में मोस्टली ये यूज होता है आउटडोर फोटोग्राफी में, क्योंकि हमारे पास हम आउटडोर पे शूट करते हैं तो सनलाइट तो रहती ही है, और उसमें एडिशन फील देने के लिए या फिर अलग से कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग ये हाई स्पीड सिंक फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ मेरे हाई स्पीड सिंक के, वो आप देख लीजिए आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ उस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।